फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास है 2 600। ये देखिए, ये बोस का है, ये भी बोस का है। दोनों में मैं ये बेरिंग कूलर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, बोस में इस टाइप का लगता है, ये ओरिजिनल है बोस का। तो ये यहाँ पे लगा था, तो ये तो गया। तो इसका आपको बोस का मिल जाएगा 400 के आसपास, ये सेट कम्प्लीट। इसमें वेयरिंग आता है, इसमें अगर ये वेयरिंग टूट गया तो आप उसको निकाल नहीं पाओगे, ये जो प्लास्टिक का आया था। लेकिन ये कास्ट आयरन का जो आता है, इसमें आपको एक शार्क क्लिप मिल जाता है। वेट कीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये शार्क क्लिप लग जाता है और यहाँ पे ये बेरिंग भी लग जाता है। बेरिंग लगने के बाद ये शार्क क्लिप लगता है। अगर आपका बेरिंग जैसे कि ये टूट गया है, देखिए ये बेरिंग टूट गया है, तो ये मैं उसको चेंज कर लिया, यहाँ पे लगा था। ये जो पुराना वाला है, ये कास्ट आयरन का है, तो इसलिए ये बेरिंग टूटा था उसका, इसमें उसको चेंज कर लिया। तो इसका खर्चा आ गया मेरा 65 रुपीज ओनली बेरिंग का। लेकिन ये लगा था ये चीज, तो ये टूटने के बाद आपको उसको डालना पड़ेगा, ये प्लास्टिक का डालना पड़ेगा। तो इसलिए प्लास्टिक का खर्चा आ जाएगा आपको 150 रुपया। मतलब अगर आप लोकल लगाओगे तो 150 रुपया आ जाएगा, ओरिजिनल लगाओगे 300 से 400 रुपया ओरिजिनल आता है बोस का। तो इसलिए बेटर होगा, देखिए मैं उसको चेंज कर लिया। ये अभी ये 100 रुपया 150 रुपया पड़ता है मार्केट में कास्ट आयरन का। फिर आपको जब भी आप वेयरिंग टूटेगा तो आप ओनली वेयरिंग को चेंज कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, ये देखिए नया वाला है, तो इसमें वेयरिंग फिक्स रहता है, इसको आप कभी भी नहीं खोल सकते हो। अगर आप खोलोगे तो ये खराब हो जाएगा, तो इसको आप अभी उसको लगाना है आपको। लगाने के बाद आपका ये जो बेरिंग खराब हो जाएगा, फिर आपको ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा चेंज करके फिर एक नया लगाना पड़ेगा। तो लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इसमें इसका बेरिंग निकल खराब हो जाएगा, तो आप इसको जो शार्क क्लिप यहाँ पे लगता है, शार्क क्लिप को निकाल के बेरिंग खोल के चेंज कर सकते हो। फिर दोबारा चेंज करके आप लगा सकते हो, उसमें आपको ओनली बेरिंग का ही खर्चा आएगा। लेकिन इसमें आपको अगर ये लगाओगे प्लास्टिक का, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा। ये 150 रुपया 200 रुपया 350 रुपया, वो उसका ओरिजिनल 400 रुपया के आसपास पड़ता है, 350 के 400 रुपये के अंदर पड़ता है ये। लेकिन मैं इसको क्या किया, उसमें कास्ट आयरन का डाल लिया, फिर वेयरिंग को भी एक डाल दिया। तो उसमें एक टाइम आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, ये लग मार्केट में 150 रुपया बेचते हैं बंदे ने कस्टमर को। तो ये 150 रुपया प्लस वेयरिंग का 60-70 रुपया में मिल जाता है, लगभग ये 200 रुपया के अंदर हो जाए, 210-220 रुपया के अंदर हो जाएगा। फिर जब आप उसको बेरिंग टूटेगा तो आपको ओनली वेयरिंग का ही पड़ेगा आपको 60-70 रुपया बेरिंग, जो भी आपके मार्केट में चलता है उसका रेट हिसाब से बेरिंग का ही खर्चा पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्लास्टिक का लगाओगे, फिर दोबारा आपको प्लास्टिक का ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेरिंग टूटने के बाद आपको चेंज नहीं कर सकते उसको। तो इसलिए ये पुराना, ये भी बोस का ही था, इसको मैं ये प्लास्टिक का ही कास्ट आयरन का लगाया हूँ, प्लास्टिक का ही लगा था इसमें, क्योंकि बोस का प्लास्टिक का लगा के आता है और कास्ट आयरन नहीं लगता है। लेकिन मैं इसको कास्ट आयरन लगाया था, तो इसलिए इसका भी वेयरिंग चेंज हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखिए इसका भी बेरिंग चेंज हुआ है, इसका भी बेरिंग टूटा था। अगर मैं कास्ट आयरन का नहीं लगाता पहले, तो उसको क्या करना पड़ता, फिर ये लगाने से बाद हमको ये कंप्लीट चेंज करना पड़ता। लेकिन अभी उसका खर्चा बच गया, 60 रुपया पड़ेगा उसका खर्चा। तो ये था छोटा सा वीडियो आपको बताने के लिए, क्योंकि इसके बारे में बंदे ने बोलते हैं क्या है क्या नहीं है। तो नेक्स्ट आप अगर आप कमेंट करोगे तो इसको कैसे खोलते हैं, कैसे लगाते हैं, परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, तो कमेंट जरूर कीजिए। चैनल में ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए पावर टूल्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइबर्स अवेलेबल है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। थैंक यू।